हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सिक्किम की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। 21 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो क्या है गाइडलाइंस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। इसके अलावा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच सिक्किम सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 21 जून तक कर दिया है। सिक्किम में 16 मई से ही पूरी तरीके से लॉकडाउन है और जो अभी मौजूदा लॉकडाउन है वो 14 जून को हटने वाला था, लेकिन अब इसको एक बार फिर से 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो क्या क्या है नियम, उस पर नजर डालते हैं। राज्य के गृह विभाग द्वारा शुक्रवार को पारित नया नियम, अब वाहनों को अंतर जिला यात्रा के लिए सम विषम आधार पर चलाने की अनुमति देता है। तो जो व्हीकल्स हैं अब सम और विषम के आधार पर चलेंगे, ऑड इवन के बेस पर चलेंगे। विषम संख्या के साथ समाप्त होने वाले पंजीकरण प्लेट वाले वाहनों को विषम तिथियों पर चलने की अनुमति होगी। इसी तरीके से इवन नंबर के साथ सप्ताह होने वाले पंजीकरण प्लेट वाहनों को सम स्थितियों पर चलने की अनुमति होगी। नियम टैक्सियों, निजी और सरकारी वाहनों के साथ साथ दुपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे, जिन्हें बिना पिलर सवारी के अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि सरकारी वाहनों को स्थानीय आवाजाही के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक ऑड इवन नियम के बिना यात्रा करने की अनुमति होगी। तो जो भी सरकारी वाहन है वो स्थानीय आवाजाही के लिए सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक बिना ऑड इवन के भी यात्रा कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले ट्रकों सहित वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी नियम में ढील दी जाएगी। अंतर जिला यात्रा के लिए नियम लागू नहीं होते हैं जो अभी भी प्रतिबंधित है। वाहन शोरूम, ऑटो गैरेज और टायर की दुकानें सहित सभी लाइसेंस प्राप्त स्टैंड अलोन दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी मौजूदा अधिसूचना के अनुसार साप्ताहिक रूप से दुकानों को बंद किया जाएगा, वीकेंड्स पर शॉप्स बंद रहेंगे। निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। शाम 5 बजे तक ई कॉमर्स के संचालन और उत्पादों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सभी रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर, मिठाई की दुकानें और बेकरी रात 8 बजे तक 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे। रात 8 बजे तक खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सभी व्यायामशालाओं, नाई की दुकानों, स्पा, सैलून और पार्लर्स को शाम 5 बजे से 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। शाम 5 बजे तक ही ये शॉप्स खुली रह सकती हैं, वो भी 50% कैपेसिटी के साथ। फार्मा कंपनियों को 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी, जबकि अन्य कारखानों और उत्पादन इकाइयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। सभी राज्य सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्ड और निगमों को 50% कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करने की अनुमति होगी। और इसके साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू हमेशा की तरह रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बना रहेगा। तो नाइट कर्फ्यू का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ सिक्किम की गाइडलाइंस। इसी तरीके से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।